नूनू को नहीं देखेंगे सर, वो आज स्कूल लोग कुछ खुला है, कोई बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, कुछ कुछ क्या क्या पर्पज़ के लिए सर स्कूल खोले हैं सर आप लोग, और अभी क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं सर स्कूल में? अब फिलहाल जो MHA से जो गाइडलाइन आया है, जो हमारे 21 सितंबर से जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चे हैं वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल में आ सकता है बाई मेंटेनिंग SOP, तो उसके लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सब डिस्ट्रिक्ट में सब प्रिंसिपल हेडमास्टर को हमने चिट्ठी लिखा है SOP के साथ में, साथ ही साथ उनको ये डायरेक्शन दिया है कि जो बच्चे स्कूल में अपने तरफ से आना चाहता है, डाउट क्लियर करना चाहता है, वो आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी पेरेंट्स की कॉन्सेप्ट चाहिए। पेरेंट्स अगर परमिशन देते हैं तो बच्चे आना है, तो उसी प्रकार हमारे जो भी टीचर है उसको SOP को मेंटेन करके जो भी बच्चे की डाउट है उनको मदद करना है। सर स्कूल में इसके अलावा भी और भी कुछ कंपार्टमेंट एग्जाम वगैरह भी है, तो उसको कैसे करके कर रहे हैं? कंपार्टमेंट का एग्जाम ये कल से एग्जाम शुरू होने वाला है, और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी ऑलरेडी हम लोग SOP को पूरा मेंटेन करने का लिखा हुआ है। उसके आपके जो एक रूम में जो पहले 50 बच्चे थे उसको सिर्फ आधा कर दिया है, 25 बच्चे रहेंगे, एक टेबल में एक ही बच्चे रहेंगे, तो उसी के साथ में मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, उसके साथ में आपने ग्लोव लगाना है, पेंसिल कलम अपने को दूसरा कॉलेज को शेयर नहीं करना है, अपने पास ही रखना है, और जो भी पानी का बोतल हो सेल्फ पीना है, दूसरा को नहीं देना है। जो भी गाइडेंस SOP की तरफ से जो गाइडलाइन देना है ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ है। सर स्कूल में कोई ऐसा आउटब्रेक ना हो उसके लिए आप लोग प्रिंसिपल और बच्चे लोगों को और पेरेंट्स लोगों को क्या अपील करेंगे सर? इसके लिए हमने ऑलरेडी क्लियर कट डायरेक्शन दिया हुआ है हमारे DDSE को, हमारे जितने भी प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हेडमास्टर को, हम सभी को क्लियर कट डायरेक्शन दिया है कि SOP को प्रॉपरली मेंटेन करना है कहीं में भी जहां में भी है। और उसके बाद साथ ही साथ हम ये आने वाले 29 को फिर हम पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोबारा हम रिव्यू करेंगे जो अभी जो बच्चे हुए 21 से जो बच्चे आ रहे हैं, और जो डाउट क्लियरेंस के लिए जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 बच्चे जो आ रहे हैं उनके अभी तक कैसे चल रहे हैं उसकी हम दोबारा रिव्यू करेंगे 28 तारीख को। उसमें हमारे पूरे अरुणाचल के 283 हमारे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन जितने भी हेडमास्टर है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस दीदी के साथ हम रिव्यू करेंगे। और फिलहाल अभी तक जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 को तो अभी स्कूल खोलने के लिए नहीं है, उन जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के हमारे तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है जहाँ भी हमारा नेट है, और जहाँ में नेट नहीं उसके लिए हमने वर्कशीट दिया हुआ है, हर बच्चों को हम एक महीने के लिए वर्कशीट दिया हुआ है, वो वर्कशीट फिल अप करके वापस करेंगे, उसको फिर टीचर से एग्जामिन करके फिर दोबारा वर्कशीट देंगे। उसी प्रकार हमारे जो भी दूर दराज में हमारा जो नेटवर्क नहीं है वो हमें हमारे चल रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ में वर्कशीट हम लोग इशू कर रहे हैं, वर्कशीट इशू कर रहे हैं जो असाइनमेंट है ना स्कूल का तरफ से, जो स्टूडेंट्स को घर में करने के लिए बोला दिया है हम लोग इशू कर दे रहे हैं। मैम लोग बहुत बिजी में हाँ। आप लोग भी स्टूडेंट है ना? स्कूल एग्जीक्यूटिव मेंबर है तो हम लोग थोड़ा मैम को मदद कर रहे हैं। आप लोग आपका भाई बहन लोग जो स्कूल में आ रहा है उन लोगों को कोविड का SOP के बारे में आपको जानकारी है ना? जानकारी तो है, क्या करेगा, लेकिन आजकल कोरोना को कोई डरता ही नहीं। हमको बताओ आज क्या क्या हुआ स्कूल में? आज आप पहला बार आया क्या? नो, सेकंड टाइम। क्यों सेकंड टाइम आ गया? आज ने एडमिशन किया तो आज फर्स्ट लेने के लिए आए। अच्छा, एग्जाम हो गया आप लोगों का ना? हाँ, हो गया। तो आज क्या लेने आए आप लोगों ने? आज वर्कशीट लेने के आए। वर्कशीट मतलब वो घर में बैठ के करना है? हाँ, पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए स्कूल में आने से ना। आप एडमिशन के लिए आया था क्या? न्यू स्टूडेंट है। आप नया स्टूडेंट है, कौन सा क्लास के लिए? क्लास 9। 9 में ना? पूरा एडमिशन चल रहा है क्या यहाँ पर? एडमिशन चल रहा है, क्लास तो नहीं हुआ होगा? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। आप ईटानगर में ही रहता है ना? ईटानगर में रहते। ठीक। मैडम स्कूल तो आज खुल गया शायद ना? हाँ, स्कूल तो खुल गया है सर, लेकिन हम लोग का स्कूल कुछ दिन बंद, जितना 14 डेज के लिए बंद था, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन में आ गया था। इस वजह से हम लोग का बहुत काम पेंडिंग हो गया, जैसे कि CBSE फी भी जब एडमिशन हुआ था उसी समय से पहले से ले लेने से हम लोग का इतना प्रॉब्लम नहीं था,
सीबीएसई फीस को बाद में लो, अभी मत लो। एडमिशन के समय फीस लिया, फिर सीबीएसई फीस अलग से लिया, इस वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों, और आज कल तो कोविड के दिन है, एक समय में एक बार में सारा काम हो जाता है तो हमारे लिए सुविधा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग भी तो इंसान है ना, इतना प्रॉब्लम है। एडमिशन फीस को अलग से लो और फिर एग्जाम फीस को अलग से लो। अभी एग्जाम फीस जमा करने के लिए कई बच्चे आए हैं जो कि पहले ही एडमिशन फीस जमा कर चुके थे, और अभी वर्कशीट दिया गया है। हर क्लास 6 से लेकर 12 तक है मेरा, तो हर क्लास का वर्कशीट बांटना है क्लास टीचर, उसके लिए भी अलग से भीड़ हो रहा है, तो एडमिशन ले चुके हैं। यही कारण है आज काफी रस देखने को मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को, और बीच बीच में हम जाके भगाते हैं, लेकिन इंसान के जो कम उम्र के बच्चे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इतना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश में है कि वो लोग दूर दूर खड़े रहे। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस क्लास 1 से 7 तक का आज आप लोग अभी फॉर्म ले रहा है ना, और दे रहा है ना, ले रहा है फॉर्म, दे रहा है, दे रहा है ना, और ये जो रिसीव कर रहा है ये क्या है, इतना कागज जो है, ये वर्कशीट, ओके, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से मिला था बच्चा लोग को देने के लिए, तो उसको बच्चा लोग ने आज सबमिट कर रहे, पेरेंट्स आके सबमिट कर रहे। और लॉकडाउन का समय में आप लोगों ने बच्चों लोगों को दिया था शायद ना, लॉकडाउन को नहीं, लॉकडाउन जब ओवर हो गया ना उस समय ये ऑफिस से आया था, तो हम लोग पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को बुला के दिया है, और आज भी पेरेंट्स ही सबमिट कर रहे हैं। ये होमवर्क जैसा आप मान सकते हैं ना बच्चों लोगों को, वर्कशीट ना, फर्स्ट मंथ का सिलेबस जो जो हम लोग कवर कर चुका है उसका वर्कशीट है, तो पेरेंट्स लोग आके आके अपना सबमिट करके जा रहे हैं ना। आज बच्चे लोग तो नहीं आया शायद ना, बच्चे लोग नहीं आए, नहीं कोई डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आया है, कोई एडमिशन करने के लिए आया है। आज क्या एडमिशन भी चल रहा है क्या? जी सर। आपको कोविड का SOP के बारे में मालूम है ना, क्या क्या मेंटेन करना है, बच्चे लोगों से क्या क्या मेंटेन करवाना है, पता है ना आप लोगों को? जी सर। काफी बच्चे लोग को देखा गया कि मास्क भी नहीं पहन के आ रहा है, कोई कोई तो यहाँ सामने तो सब नजर आ रहा है, लेकिन तो उसको आप लोग गाइड करते हैं क्या आप लोग? जी गाइड किया है, बोला है सब मास्क लगा के आने के लिए, मास्क लगा के आना है, इसे मेंटेन भी करना है। अभी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा पहले मैं देखा था पूरा आपका रूम का सामने में पूरा भीड़ लगा के रखा हुआ था। नहीं, बीस बीस में होता है, फिर भी हम देखते रहते हैं, थोड़ा सा हम जाने से ऐसा साइड में होता है, फिर हम साइड करा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर एक्चुअली इन पॉइंट नंबर 1 क्लॉज 1 इट हैज क्लियरली बीन मेंशन दैट ऑल स्कूल्स कॉलेजेस all educational institutions and then coaching institutes, they'll continue to remain closed till 30th of September. It's quite clear. And then one clause is there, and one clause A, sub clause C, that students might come to school for consultation, and there too students will have to bring consent from their parents. It is quite voluntary, and it is not mandatory on the part of all students. Those who are interested, the parents of those who are interested, they should bring the consent from their parents.